जिस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना किला दीदार सिंह के इलाका में, जहाँ पे गुज़श्ता रोज़ एक कत्ल की लर्जा खेज जो वारदात थी वो वकूअ पज़ीर हुई, और जिसके अंदर दो बहनों का अकलौता भाई हाफिज़ शहरोज़ उसको कत्ल कर दिया गया, और उसके जो लवाहेकीन है आज वो अपने बेटे के नाहक कत्ल के ऊपर सरापा एहतजाज है। आइए उनसे बात करते हैं, बेटे को जो कत्ल किया गया है उसके ऊपर क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं? मेरा एक ही बेटा सी, उसका नाम मोहम्मद हाफिज़ मोहम्मद शहरोज सी, बड़ा नेक सी, नजायज़ कत्ल किया गया। मैनू नहीं पता, मैनू अज खुदा जानता अज तक नहीं पता किस वजह से कत्ल किया गया मेरे बेटे नू। मैं हुकूमत बाला के दरख्वास्त करना वा कि इन्होंने इबरतनाक सजा दियो ताकि कोई यहोजा वाकया पेश ना आवे, किसी अकेले मेरा अकेला पुता सी उन्होंने शहीद किया गया वे। मैं खुदा रहा, बस खुदा रहा, ये आइंदा जराम बंद होने इस मुल्क दे विच, और सब तहफ़ दियो खुदा वास्ते, और मैनू इंसाफ चाहिए वे, मैनू इंसाफ चाहिए, मैनू इंसाफ चाहिए। अजी ये थे मकतूल हाफिज़ शहरोज़ के वालदे मोहतरम, जो कि अरबाब अख्तियार से अपने बेटे के नाहक कत्ल के ऊपर इंसाफ की अपील कर रहे हैं, और उनका ये कहना था कि भी अय्यी ज़म्बिन कुतिलत, के मेरे बेटे को किस बेस पे कत्ल किया गया है। जी।